चलिए, तो तीन कंडीशन अगर हमारे पास तीन में से कोई एक भी हो गए तो वो आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉई मान लेगा। अच्छा, अब ये बताइए कि हम अभी तक यही लिस्ट पकड़ पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो इसमें पहली लिस्ट आपने कौन सी पढ़ी थी? फर्स्ट क्या होता है? वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब आपको पता चला कि रेंट फ्री हाउस भी दो तरह का होता है, कौन कौन सा? एक होता है अनफर्निश्ड हाउस और एक कौन सा होता है? फर्निश्ड हाउस। अच्छा, सेकेंड कौन सा होता है? वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। अगर आपको देखा हो ध्यान, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे वो इन सभी के लिए चार स्टेप बना लेता है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर। सबसे पहले इसमें क्या निकालता है? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अच्छा, अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो कि सर, अगर रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन की बात करें कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए रूल अलग है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई में क्या रूल था? लेसेंस फीस ऑफ हाउस एज पर रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक। और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैसे निकालते हो आप? अब सिटी चेक करते हैं कि अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो रूल अलग है, अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो रूल अलग है, अगर 25 लाख से ज्यादा है तो रूल अलग है। ये वाला पॉप तो अभी देखते हैं कि एम्प्लॉयर का अपना मकान है या फिर उसका किराए का मकान है। यहाँ भी अपना मकान है या किराए का? अपना मकान है या किराए का? यहाँ पर अपना तो कितना परसेंट, यहाँ पर कितना और यहाँ पर कितना? और अगर किराए का मकान हो तो क्या बात सीखी आपने? कोई भी सिटी हो एक ही रूल होता है, क्या? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। अब इसमें एक बड़ी बात सामने आती है कि सर, सैलरी फॉर दिस पर्पज में क्या क्या लेते हो आप? तो छह चीजें लेता है इसके सैलरी फॉर दिस पर्पज में, ठीक। पहली चीज बताओ क्या लेता है? बेसिक पे। दूसरा डीए लेकिन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तीसरा कमीशन, एनी कमीशन लेते हैं आप। बोनस और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस और मॉनेटरी बेनिफिट, ये चीजें वो सैलरी के अंदर इंक्लूड करता है। तो ये सारी नॉलेज लेने के बाद हमें अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू मिल जाती है। फिर स्टेप टू में हमने क्या सीखा कि अगर वो हाउस इक्विपमेंट देता है तो या तो खरीद के देता है या किराए पे। खरीद के देता है तो क्या करते हो? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ हाउस इक्विपमेंट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। एक मिनट, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस स्टेप वन, स्टेप टू में 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ हाउस इक्विपमेंट, और किराए पे लेके देता तो जितना वो हायर चार्जेस पे करता है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर वो, और अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे रेंट चार्ज करता है तो क्या हो जाएगा? लेस। एक अकाउंटेंट इसमें ना एक बढ़िया बात रखो, इनकम टैक्स में अगर एम्प्लॉयर आपसे कोई भी चीज चार्ज करता है वो टैक्सेबल वैल्यू में से क्या हो जाएगी? माइनस। हालांकि ये बात अभी आपने सीखी है, आगे भी अगर मैं आपको कार फैसिलिटी पढ़ा रहा हूँ, एम्प्लॉयर ने कार आपको फ्री में दे दी, ठीक है, अब वो आपसे उसका रेंट चार्ज करता है तो जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा, जितना वो आपसे रेंट चार्ज कर रहा है उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। चलो खैर, एनीवे, तो एनीवे इसको अगर हम देखें तो हमारे पास हमने वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस पढ़ लिया हमने इसमें। एक मिनट, फर्स्ट तो रेंट फ्री हाउस हो गया, कंसेशनल रेंट फ्री हाउस हो गया। थर्ड बताओ क्या था हमारे पास? वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय इफ पेड बाय एम्प्लॉयर। अब यहां से टेंशन शुरू हो जाती है, यहां से वो कहता है कि कोई भी ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉय की थी, अगर किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने, तो वो क्या हो जाएगी? फुली टैक्सेबल। तो कैसे हैंडल करोगे आप इसको बताओ। अब इस केस में वो ये कहता है कि सर, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब कि कोई भी ऐसा खर्चा जिसको पे करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की थी, अगर एम्प्लॉयर पे करता तो फुली टैक्सेबल है, लेकिन इन पांच को छोड़ के। क्यों इन पांच को छोड़ के? क्यों? क्योंकि इन पांच में फुली टैक्सेबल नहीं है, इन पांच में टैक्सेबल होगा जो इनकम टैक्स के रूल्स कहते हैं उसके हिसाब से टैक्सेबल होगा, ठीक। तो जरा देखो पांच क्या क्या थे बताओ मेरे को। देखो दर, तो अब हम एक काम करते हैं कि इनके ऊपर रूल्स क्या हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो सबसे पहले फैसिलिटी लिखो आप, मेडिकल फैसिलिटी।
मेडिकल फैसिलिटी पे इजी लैंग्वेज में रूल लिखवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट लिखो मेडिकल फैसिलिटी, और मेडिकल फैसिलिटी पे लिखो इट इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन फॉलोइंग केसेस। यहां से मत देखो आप, ये लॉ की लैंग्वेज आपकी समझ नहीं आएगी। देखो इट इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट लिखो इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन द हॉस्पिटल, इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन द हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। सेकेंड लिखो इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। थर्ड लिखो इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर if it is provided by employer for specified diseases mentioned under rule 3A, for specified diseases mentioned under rule 3A, if it is provided by employer for specified diseases मेंशन अंडर रूल 3A, रूल 3A आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए इफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, इफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, इफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। बताओ कितने केस लिखे आपने? चार। क्या लिखा पहला? कि अगर मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है ऐसे हॉस्पिटल में जो उसका अपना है, मैक्स हॉस्पिटल है, अगर मैक्स हॉस्पिटल अपने एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में करता है तो एम्प्लॉय के पैसे तो बच रहे हैं, देखा जाए तो इनकम तो यहाँ भी हो रही है। बट ऐसे केस में इनकम टैक्स आता है कि अगर हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का अपना है और उसमें वो एम्प्लॉय का फ्री में इलाज कराता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड देखो आपने क्या लिखा है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराता है तो उस केस में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है फॉर स्पेसिफाइड डिसीज, चाहे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहा हो, फॉर स्पेसिफाइड डिसीजन मेंशन अंडर रूल 3A। अब रूल 3 के अंदर स्पेसिफाइड डिसीज बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम है कि अगर इन बीमारियों के लिए कोई बीमारी हो जाती है और उसका इलाज फ्री में करा रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो डिसीजन मेंशन होनी चाहिए रूल 3 के अंदर। अब उसमें हमें वो डिसीज रटने की जरूरत नहीं है, उनमें से एक डिसीज कैंसर भी आती है, ठीक, तो वो हमें रटने की जरूरत नहीं है कौन कौन सी डिसीज है, पर हमें ठीक है रूल 3A वर्ड का इस्तेमाल करना है कि जो डिसीज रूल 3 में मेंशन है अगर उनके लिए है तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर एम्प्लॉयर आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता है, ध्यान रखना एक होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर वो आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा तो फुली टैक्सेबल है, तो क्या है फुली, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर आपका पे कर देता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। तो कह रहा सर इन चार केसेस के अंदर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि सर मान लीजिए इन चार केस के अलावा कोई और केस हो जाए, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय को नॉर्मल मान लो उसको चोट लग गई, उसकी टांग टूट गई, ठीक, अब वो उसकी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करा देता है और जो बिल आता है वो एम्प्लॉयर भर देता है, तो वो तो इनमें कवर नहीं होता किसी में भी।
तो इनकम टैक्स कहता है कि ऐसे केस के अंदर, इन एनी अदर केस, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल, वो क्या होगा, पूरा पूरा टैक्सेबल। तो आपने पहला पॉइंट क्या लिखा, इट इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन फॉलोइंग फोर केसेस, इन केसेस में तो फुली एग्जेम्प्ट है। अब सेकंड पॉइंट लिखो, इन एनी अदर केस, सेकंड पॉइंट लिखो, इन एनी अदर केस In any other case, actual amount of bills, in any other case, actual amount of bills paid by employer, in any other case, actual amount of bills paid by employer will be fully taxable. Actual amount of bills paid by employer will be fully taxable. बच्चों क्लियर पॉइंट है। चलो अब मेडिकल फैसिलिटी में एक बढ़िया बात होती है कि चलो मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, अगर इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी है तो ये दो पॉइंट समझ में आए हमारे। बताओ दो पॉइंट क्या समझ में आया आपको, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया में दो पॉइंट इसमें आया कि फॉलोइंग चार केस में तो फुली एग्जेम्प्ट कर देगा। बताओ मेडिकल फैसिलिटी चार केस में फुली एग्जेम्प्ट, वो चार केस क्या क्या है, इफ हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है। सेकेंड, अगर वो आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है। तीसरा, अगर वो किसी स्पेसिफाइड डिसीज रूल 3A में लिखी हुई किसी बीमारी का इलाज करवाता है फ्री में, तो टैक्स नहीं है। अगर वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हैं तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई और खर्चा कर देता है तो उस केस में एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट विल बी क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। तो देखा जाए तो हमने दो पॉइंट पढ़े, लेकिन इन दो पॉइंट के अंदर भी एक पॉइंट अभी भी पेंडिंग चल रहा है। क्या कि सर ये बात तो आपने जब बोली कि जब मेडिकल ट्रीटमेंट आप इंडिया में रहकर कराते, बट हमने कई बार देखा है कि एम्प्लॉयर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया से बाहर भेज देता है। तो अगर वो इंडिया से बाहर भेजता है तो रूल क्या, तो थर्ड हेडिंग डालो मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। देखो अगर आप इंडिया से बाहर मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाते हैं तो तीन तरह के खर्चे होते हैं। पहला खर्चा क्या होता है, पहला खर्चा आपका बाहर जाके आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। बोलो बेटा, तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो खर्चा है उसको अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो उसके ऊपर क्या रूल है, ठीक है। दूसरा, वहां पर आपके रहने का खर्चा होगा, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं बोर्डिंग, बोर्डिंग चार्जेस पे क्या खर्चा होगा, बोर्डिंग एक्सपेंस पे क्या होगा आपका। और तीसरा खर्चा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग, आपके आने जाने पे किराया लगेगा, बाय फ्लाइट आएंगे, बाय फ्लाइट आप आएंगे, तो इसके बारे में इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है, ठीक। तो सुनो ध्यान से, मुझे ये बताओ कि अगर इंडिया से बाहर इलाज कराने आप गए और एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं बिल भर दूंगा, तो वो बिल इंडियन रुपीज में भरा जाएगा या फॉरेन करेंसी में। अब ये बताओ इंडिया से बाहर फॉरेन करेंसी आपको प्रोवाइड कराएगा RBI। अगर आप मान लीजिए आपको डॉलर चाहिए तो आपको पहले RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो आप कहते हैं ना वीजा लेने जा रहे हैं, तो वीजा में यही सब बातें क्लियर की जाती है क्लियरेंस में, कि बाहर जा रहे हो पैसा है तुम्हारे पास, तो वो इसी बात को क्लियर करके आपसे पहले RBI आपसे कहेगा कि आपको कितने डॉलर चाहिए, उतना पैसा आप पहले अपने इंडियन करेंसी में जमा कराओ, मैं आपको उसे कन्वर्ट करके इंडिया से बाहर प्रोवाइड करूंगा आपको फॉरन करेंसी। तो होता है कि इंडिया से बाहर अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं तो आपके एम्प्लॉयर ने पहले फॉरन करेंसी अरेंज की होगी, और वो फॉरेन करेंसी किसकी परमिशन से अरेंज की होगी, RBI की, वही करवा सकते हैं आपको अरेंज। तो ऐसे केस में रूल बताया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि मुझे फॉरेन करेंसी की नॉलेज है नहीं, फॉरेन करेंसी की नॉलेज RBI को है, तो इसलिए उसने बोला कि जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ इसमें कितना एग्जेम्प्ट होगा ये अमाउंट RBI डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। RBI बोलेगा कि इतना खर्चा एग्जेम्प्ट कर दो, मैं उतने पे टैक्स फ्री कर दूंगा, बाकी पे क्या लगा दूंगा, टैक्स। तो इसके आगे लिखो, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एक बार यशपाल सर से मिल लो, हाँ ऊपर है उस रूम में होंगे, ठीक। इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज पर अमाउंट
डिसाइडेड बाय आरबीआई, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज पर अमाउंट डिसाइडेड बाय आरबीआई। जितना अमाउंट आरबीआई डिसाइड करेगा उतना क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो ये बताओ कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो जितना एग्जेम्पशन है वो तो क्वेश्चन को बतानी पड़ेगी कि आरबीआई ने कितना बोला। अच्छा बताओ बाहर बोर्डिंग एक्सपेंस यानी कि लिविंग एक्सपेंस, बाहर रहने का भी खर्चा आएगा कि अगर आप बाहर चले गए मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है उसके साथ। अच्छा इसमें एक चीज हो रहा है विद वन अटेंडेंट, एक अटेंडेंट साथ जा सकता है इसमें, ठीक। जो एक अटेंडेंट का खर्चा वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। बोर्डिंग रहने का खर्चा क्या है? अच्छा बताओ बाहर रहने का खर्चा इंडियन करेंसी में होगा या फॉरेन करेंसी में? इसीलिए यहां सेम रूल यहीं पर है कि इसमें भी जो आरबीआई डिसाइड करेगा उतना ही एग्जेम्प्ट होगा, जितना अमाउंट आरबीआई डिसाइड करेगा उतना ही एग्जेम्प्ट होगा। जो आरबीआई बोल देगा, अगर आरबीआई ने बोल दिया कि फुली एग्जेम्प्ट है तो फिर फुली एग्जेम्प्ट है, तो फुली टैक्सेबल है। यहां सारी गाइडलाइन आरबीआई, एक्चुअली क्या फॉरेन पॉलिसी होती है तो फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आरबीआई देखता है। इनकम टैक्स का यहां कोई रोल नहीं है। इनकम टैक्स ये कह रहा है कि मैंने अपनी कोई टांग नहीं अड़ाई क्योंकि मामला फॉरेन करेंसी का है और फॉरेन करेंसी में मेरे से ज्यादा आरबीआई की नॉलेज स्ट्रांग है, तो जो वो सेट करेगा मैं वो मानने को तैयार, मुझे उससे कोई दिक्कत है। एम्प्लॉयर क्यों भरेगा? आप किसकी मेडिकल फैसिलिटी किसको मिल रही है? एम्प्लॉय को। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो आप? सैलरी। सैलरी में इनकम किसकी निकाल रहे हो, एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉय की? एम्प्लॉय की इनकम निकल रही है। हाँ अगर एम्प्लॉयर ने बिल भर दिए तो एम्प्लॉय की इनकम काउंट हो रही है, बोलो हाँ ना। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? इनकम फ्रॉम सैलरी। हेड का नाम बताओ क्या? इनकम फ्रॉम एम्प्लॉय मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर गया या उसको कोई फैमिली मेंबर गया, एम्प्लॉयर ने बिल पे कर दिए तो पैसे किसके बचे? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की होगी सेविंग। सेविंग पहले होती है, टैक्स पहले लगता है इनकम वाले, तो ये उसी बात को पकड़ के बैठा हुआ। आ रही बात समझ में? एक नहीं आ रही पॉइंट। एम्प्लॉयर तो भाई पे कर रहा है ठीक है, बट इनकम काउंट किसकी हो रही है? एम्प्लॉय की। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग, इसमें लिख लो विद वन अटेंडेंट। हेलो हाँ बोलो बेटा। एक ना वो होता है हवन होता है उससे ना थोड़ा वो ग्रह शांत करा। हाँ भी नोट कर लिया आपने? देखो सर अब जरा कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग का भी कंसेप्ट देखो क्या है। कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग कंसेप्ट क्या है? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो आप कि अगर आपको यहाँ से यूएस से जाना है जो टिकट है वो फॉरेन करेंसी में बुक होगी या इंडियन करेंसी में? इसलिए यहाँ पे आरबीआई का रोल नहीं। तो पहले इस बात को समझो कि यहाँ पर आरबीआई क्यों रोल प्ले नहीं करता, ठीक। अब यहां पर देखो इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है, लिखो इट इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। It is fully exempt from tax. If gross total income of employee, does not exceed rupees 2 lakh. It is fully exempt from tax if gross total income of employee does not exceed rupees 2 lakh. अब जरा फिर देखो यहां पर आपको एक बात बताओ, ये वर्ड पता है मैंने क्या लिखा है? ग्रॉस टोटल क्या लिखा है? मैंने ग्रॉस सैलरी लिखा है या ग्रॉस टोटल इनकम लिखा है? अब ये बताओ कि आपको तो पता है ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। कल मैं आपको ये बात रिवाइज भी करा रहा था कि इनकम टैक्स कहता है पैसा कमाने के कितने तरीके होते हैं, पांच। उनका जो टोटल आता है ना पांचों का वो होता है ग्रॉस टोटल इनकम। कह रहे जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है अगर उसकी इनकम जीटीआई 2 लाख से कम है तो ये खर्चा क्या है? फुली एग्जेम्प्ट। और हमने कहा कि अगर ये जीटीआई 2 लाख 1 रुपए भी हो गई तो साफ फुली टैक्सेबल कर देगा उठा। अभी हमारे इंडिया का अजीब से रूल होते हैं, अब क्या करें? तो लिख लो अदरवाइज फुली टैक्सेबल।
पॉइंट्स में आपको। अब जरा देखो इजी वे में समझो आप, क्योंकि ये सभी रूल को न्यूमेरिकल में यूज करता है वो। तो पहले समझिए कि मैं आपको मेडिकल फैसिलिटी के रूल पढ़ा रहा हूं। तो मेडिकल फैसिलिटी को अगर हम पढ़ना समझें तो कैसे समझें, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, अगर इंडिया में मिलती है तो क्या रूल है, और मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया से बाहर मिलती है तो क्या रूल है। अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में मिलती है तो वो कहता है सर इन फॉलोइंग फोर केसेस, इन चार केसेस में तो ये फुली एग्जेम्प्ट है, और इन चार के अलावा कोई और केस होगा तो ये क्या है, टैक्सेबल है। अब ये बताओ वो चार केसेस क्या है जिनमें वो फुली एग्जेम्प्ट है, कि अगर आपको वो एम्प्लॉयर अपने हॉस्पिटल में देता है तो कोई टैक्स नहीं है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देता है तो कोई टैक्स नहीं है, रूल 3A में लिखी डिसीज में देता है तो कोई टैक्स नहीं है, और स्पेसिफाई अगर वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता है तो भी कोई टैक्स नहीं। इन चार के अलावा अगर कुछ होता है तो फुली टैक्सेबल है। अगर इंडिया से बाहर देता है तो सर तीन तरह के खर्चे होंगे आपके, एक मेडिकल एक्सपेंस के ऊपर खर्चा होगा, एक आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग रहने खाने का खर्चा होगा आपका, और एक कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग होगा। इसके बारे में आरबीआई बताएगा कि टैक्सेबल है या नहीं, इसके बारे में आरबीआई बताएगा कि टैक्सेबल है नहीं, इसके बारे में फुली एग्जेम्प्ट है अगर उसकी जीटीआई 2 लाख रुपए से क्या है कम, अगर जीटीआई 2 लाख से ज्यादा होगी तो क्या कर देगा, फुली टैक्सेबल। ये है मेडिकल फैसिलिटी के रूल। देखो रूल पढ़ना और रूल को प्रेजेंट करना दो अलग अलग बात है। जब आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हो, इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हो, तो ये रूल आपके कंफर्म याद हो जाते हैं, ये टेबल फॉर्म आपको याद रहती है। वो थ्योरी में आपसे कहेगा राइट डाउन द प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, तो आप लिखने की पोजिशन में आ जाते हो, और अगर आपने ऐसी फॉर्म नहीं बनाई तो यही थ्योरी बोरिंग हो जाती है, और अगर आपने कोई फॉर्म बना रखी है तो यही थ्योरी इंटरेस्टिंग। जैसे वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस को आपने चार्ट फॉर्म में पढ़ लिया अब आपको समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है, ऐसी मेडिकल फैसिलिटी की ये रूल है। तो जब न्यूमेरिकल में आएगा तो आप ये क्लिक करोगे कहां से उसने टॉपिक उठाया, कौन सा पॉइंट उठाया है इसके। एनी वे एनी डाउट, इनमें यहां वन अटेंडेंट बैठा होता है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी के बाहर जाएगा तो एक अटेंडेंट भी उसके साथ जा सकता है, तो एक अगर दो अटेंडेंट चले गए तो जो दूसरा अटेंडेंट साथ गया ना उसका सारा खर्चा टैक्सेबल कर देगा। एम्प्लॉयर ने तो ये कह दिया कि दो बंदे चले जाओ मैं सबका पैसा दे दूंगा, तो इनकम टैक्स कहता है कि एग्जम्पशन जो मिलेगी वो वन अटेंडेंट के पैसे खर्चे पे मिलेगी, दूसरे अटेंडेंट जो साथ गया उस पे आपने जो खर्चा किया वो सारा क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट फैसिलिटी लिखिए, एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी देखो इसमें भी बहुत बढ़िया रूल इसमें काम करता है, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी कैसे, आप इसको यूं समझिए, इसको चार्ट फॉर्म में लिखिए, इफ इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन द स्कूल विच इज ओन्ड और मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, और इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन एनी अदर स्कूल, यानी कि हो सकता है कि एम्प्लॉयर अपने ही स्कूल में एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ा रहा हो, एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा हो,
क्लियर है? सबसे पहले तो ये समझो कि इस केस में रूल क्या है। एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है, ठीक। अब यहां पर ना आपको एक अजीब सी बात लगेगी, मैं समझाने से पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज करो कि ये एरिया साउथ दिल्ली का, ठीक है, और साउथ दिल्ली में एम्प्लॉयर का स्कूल ये है ABC, और इसमें एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों से फीस नहीं ले रहा है या ना के बराबर, जो भी समझ, फ्री में पढ़ा रहा है। इनकम टैक्स ये कहता है कि जिस लोकेलिटी में आपका स्कूल है, मैं ये देखूंगा उसी लोकेलिटी में उसी स्टैंडर्ड का जो दूसरा स्कूल है वो कितनी फीस लेता है, और उसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, टैक्स। अब आप हो गया, ऐसा क्यों? जब एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है तो उसी लोकेलिटी में दूसरे स्कूल की फीस क्यों देखी जा रही है? तो आप यूं समझो जैसे एयरफोर्स के स्कूल है, डिफेंस के स्कूल है। अब ये क्या होता है कि ये मोस्टली अपने ही इंप्लॉय के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन फीस बड़ी नॉमिनल से लेते हैं, लेकिन फैसिलिटी फैसिलिटी ऐसी देते हैं जो बड़े बड़े स्कूल जिसके लिए 20-20, 30-30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। तो यहां इनकम टैक्स कहता है कि अगर मैं तुम्हारे स्कूल की फीस देखूं तुम कितनी लेते हो, तुम तो लेते ही बड़ी नॉमिनल सी फीस हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड तुमने मेंटेन कर रखा है वो स्टैंडर्ड जो हम उसी लोकेलिटी के दूसरे स्कूल में देखते हैं वहां फीस बहुत हाई होती है। तो एक तरह से तो आपके पैसे बच ही रहे क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपको ये फैसिलिटी दे रखी है। इसलिए बड़ा अजीबो गरीब सा रूल बताता है कि अगर एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है और उसमें एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं तो क्या क्या है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ फीस चार्ज बाय अनदर स्कूल इन सेम लोकेलिटी एंड ऑफ सेम स्टैंडर्ड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। मैं उसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। तो जरा देखें क्या लैंग्वेज उसकी लिखते हैं, यहां पर लिखिए, लिखिए यहां पर एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्कूल फीस, एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्कूल फीस चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्कूल फीस चार्ज बाय एम्प्लॉयर इन सेम लोकेशन एंड ऑफ सेम स्टैंडर्ड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। ये फीस का जो अमाउंट होगा वो यहां पर टैक्सेबल होगा। बोलो बच्चों, क्लियर है पॉइंट? लेकिन एक और बढ़िया बात यहां इनकम टैक्स कहता है कि पहले मैं ये फीस का अमाउंट निकालूंगा, उस पर टैक्स लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसमें से एग्जेम्पशन दूंगा। लिखो लेस, एग्जेम्पशन कितने का, लिखो एग्जेम्प्टेड अप टू ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, एग्जेम्प्ट अप टू ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड। अब बच्चों मुझे बताओ, तुम्हें एजुकेशन अलाउंस की याद आ रही है? वो क्या रूल था बताओ, उसमें कितनी एग्जेम्पशन थी? अप टू टू चिल्ड्रन। तो हमने पूछा कि यहां भी अप टू टू चिल्ड्रन है, तो उसने कहा नहीं, यहां लिमिट नहीं है चिल्ड्रन की। अगर तीन बच्चे हैं तो तीनों को 1,000 1,000 1,000 लेस कर देगा उठा के। अब जो बैलेंस बचेगा उसे क्या कर देगा, टैक्सेबल। नोट करो जरा ये बात, रूल को इसमें प्रेजेंटेशन रूल को समझना ही बहुत बड़ी बात है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ठीक। अच्छा, ये रूल कब काम करता है बताओ, जो अभी आपने लिखा, जब एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर का अपना स्कूल ना हो तो, अब बच्चे पढ़ते हैं डीपीएस स्कूल में, एम्प्लॉयर कहता है कोई बात नहीं आप अपने बच्चों को डीपीएस में पढ़ाओ, फीस मैं दे दूंगा। तो ऐसे केस में रूल कहता है कि जितना एम्प्लॉयर स्कूल की फीस पे कर रहा है मैं उसी पे क्या लगा दूंगा, टैक्स, क्योंकि उतने पैसे बच रहे हैं आपके। लेकिन इस केस में वो ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जेम्पशन नहीं देगा। तो यहां लिखो एक्चुअल अमाउंट ऑफ फीस पेड बाय एम्प्लॉयर
एक्चुअल अमाउंट ऑफ फीस पेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। इस केस में एम्प्लॉयर जितने भी स्कूल की फीस पे करेगा उसी पे टैक्स लग जाएगा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ फीस पेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। यहां लिख लो नो एग्जेम्पशन विल बी अलाउड। हम यहां पर कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे, नो एग्जेम्पशन विल बी अलाउड। इस केस में आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एनी कंफ्यूजन? क्लियर बेटा? चलो अब इसी के नीचे एक वर्किंग नोट लिख लो। नोट लिखो, एजुकेशन फैसिलिटी इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एजुकेशन फैसिलिटी इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ इट इज प्रोवाइडेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। एजुकेशन फैसिलिटी विल बी फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ इट इज प्रोवाइडेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। अब आप इसको यू समझो, जैसे 1992 से पहले अगर हम अपने बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो हमारे सारे बैंक कंप्यूटराइज नहीं थे, राइट? मैनुअल अकाउंटेंसी हमारे यहाँ होती थी। और जो लोग बैंक के एम्प्लॉई 1992 से पहले अपॉइंट हुए, जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिए, बैंक की नौकरी लग गई, अब 1992 से पहले जो लोग अपॉइंट हुए हैं वो कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं थे। तब कंप्यूटर नया नया आया था, अब वो मैनुअल तो अकाउंट जानते थे पर कंप्यूटर पे अकाउंट। अब आप हम जैसे लोगों को देखो, आज भी हम लोग कंप्यूटर से थोड़ा कतराते हैं कि पता नहीं, चलो अब तो खैर आदत पड़ गई, लेकिन फिर भी कंप्यूटर पे इतनी जितनी नॉलेज आप लोगों की उतनी हमें नहीं है। फोन को जिस तरह से आप लोग ऑपरेट कर रहे थे हम नहीं कर पाते, ठीक? ये यूं समझ लो हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। यही 1992 में हुआ कि सारे बैंक कंप्यूटराइज हो गए। तो जो एम्प्लॉई पहले, जब उनकी अपॉइंटमेंट की गई थी तब तो उनके सामने शर्त नहीं रखी थी कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, लेकिन जब बाद में कंप्यूटराइज हुए तो एम्प्लॉई ने कहा भाई हमें तो कंप्यूटर आता नहीं, अब हम कैसे करें। तो गवर्नमेंट के सामने दो रास्ते थे, या तो उन एम्प्लॉई को निकाल दे। अब किसी को आप निकालोगे तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, बोलो है ना? तो कोर्ट ने बोल दिया कि चलो 5-10 लाख रुपए कंपनसेशन देके निकाल सकते हो आप, ऐसे नहीं निकाल सकते। तो बैंक ने सोचा कि मैं 10.5 लाख रुपए का कंपनसेशन दूंगा, इस बात के लिए नहीं निकालू, फिर नई रिक्रूटमेंट करूं, फिर नए फ्रेश वर्कर को रखू, उन्हें ट्रेंड करूं, बेटर ये नहीं है कि मैंने कंप्यूटर कोर्स ही करा दूं, बोलो हाँ है ना? तो उसने अपने एम्प्लॉय को एजुकेशन प्रोवाइड कराई कंप्यूटर कोर्स की, और जो फीस थी वो खुद भरी। फीस मुश्किल से 50,000 रुपये भी नहीं भरनी पड़ी उसे। तो उसने अपने एम्प्लॉय की एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग पे खर्चा किया। डिफेंस में क्या होता है, अपने एम्प्लॉय को पहले क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड पे खर्चा होता है। तो कह रहे सर अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की एजुकेशन के लिए खर्चा करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड नोट टू लिखो, नोट टू, इफ एजुकेशन फैसिलिटी If education facility provided by employer to any family member of his employee, then exemption of ₹1,000 per month per child will not be allowed. Then exemption of ₹1,000 per month per child will not be allowed. Then exemption of ₹1,000 per month per child will not be allowed. बच्चों ये क्या कह रहे हैं आप बताओ? Employee के अपने बच्चे हैं, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लो employee के घर में कोई servant है और वो servant की education पे भी खर्चा करता है। तो कह रहे सर जो 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड की मैंने एग्जेम्पशन बोली थी वो उस केस में आपको अलाउड नहीं होगी। वो जब ही अलाउड होगी जब एम्प्लॉय के अपने बच्चे होंगे, तो वो मैं आपको एग्जेम्पशन देने को तैयार। फैमिली मेंबर ऑफ हिज एम्प्लॉय, किसी फैमिली मेंबर को प्रोवाइड करता है तो 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है? वो एम्प्लॉयज चिल्ड्रन के लिए ही मिलेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
राइट। अब देखो यार, अब ये एजुकेशन फैसिलिटी है, कितना आसानी से बात समझ में आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये थी कि एक बार आपको ये लैंग्वेज थोड़ी सी रटने में मुश्किल पड़ेगी, अगर आप इसका मतलब समझ लें तो बात बन जाएगी। कि दूसरे स्कूल की फीस देखता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्कूल फीस पेड बाय एम्प्लॉयर इन सेम लोकेलिटी एंड ऑफ सेम स्टैंडर्ड। दो फैसिलिटी हमने कवर कर ली बेटा, बताओ कौन कौन सी कवर कर ली, मेडिकल फैसिलिटी के रूल और एजुकेशन। मेडिकल फैसिलिटी चलो इन इंडिया, और क्या आउटसाइड इंडिया, इंडिया में क्या रूल है, चार केस में फुली एग्जेम्प्ट है। कौन कौन से, अपना एम्प्लॉयर होना चाहिए, हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, रूल 3A डिसीज होनी चाहिए, या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे कर दिया हो। अगर इन चार के अलावा कोई और केस बना तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी फुली टैक्सेबल। यू सीरीज दी बात कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो फुली टैक्सेबल कर देगा। ठीक, अगर इंडिया से बाहर इलाज कराने जाते हैं तो तीन तरह के खर्चे होते हैं। पहला खर्चा मेडिकल ट्रीटमेंट पे, दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसे हम बोल सकते हैं, तीसरा ट्रैवलिंग। तो पहले दो खर्चे के बारे में तो जो आरबीआई बोलेगा वैसा वो हो जाएगा, ठीक। और तीसरे के बारे में क्या होगा, फुली एग्जेम्प्ट है अगर इसकी जीटीआई 2 लाख से और 2 लाख से ज्यादा होगी तो फुली टैक्स। ऐसी एजुकेशन फैसिलिटी को अगर हम याद करें तो ऐसे समझो कि एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है तो रूल अलग है, अगर एम्प्लॉयर का अपना स्कूल नहीं है तो रूल अलग है। अपना स्कूल है तो क्या करेगा, दूसरे स्कूल की फीस पे टैक्स लगा देगा, लेकिन उसमें से एग्जेम्पशन देगा, कितनी, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। अच्छा, क्या यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ चिल्ड्रन काम करती है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ चिल्ड्रन, अगर चार बच्चे हैं तो चारों को 1000 माइनस कर देगा, लेकिन उसके अपने बच्चे होने चाहिए। अगर उसके फैमिली मेंबर है, उसके घर का कोई सर्वेंट है उसको, तो फिर वो 1000 वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अपना स्कूल नहीं है तो जितने भी बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा है स्कूल फीस के, वो सारे क्या हो जाएंगे, फुली टैक्सेबल। नोट याद रखने वाला क्या है कि अगर वो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे खर्चा करता है तो उस केस में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, थर्ड फैसिलिटी, गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। देखो ये एक बात तो इनकम टैक्स बहुत पहले बोल चुका था ये, कि अगर मैं कोई रूल पढ़ाए जा रहा हूं आपको लेकिन मैं गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट का जिक्र तक नहीं करता, तो इसका मतलब दोनों के रूल क्या है, सेम। वो कहता है अगर रूल दोनों के लिए अलग अलग होंगे तो मैं खुद हेड बनाकर बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट के लिए है और ये क्या है, नॉन गवर्नमेंट के लिए। चलिए गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी में क्या रूल है, ठीक। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम ओन सोर्सेस और इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम ऑन सोर्सेस और इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। अच्छा, ऑन सोर्स का मतलब क्या है, जैसे इंडियन गैस कंपनी, अगर इंडियन गैस कंपनी अपने एम्प्लॉय को गैस का सिलेंडर फ्री में देती है या गैस की सप्लाई फ्री में देती है तो बताओ वो बाहर से खरीद के दे रही है या एम्प्लॉयर का अपना सोर्स है, अपना सोर्स है। ऐसे मान लो बिस्लरी मिनरल वाटर अगर अपने एम्प्लॉय को वाटर सप्लाई फ्री देता है तो उसका अपना सोर्स है। ऐसे मान लो BSES अगर अपने एम्प्लॉय को बिजली सब्सिडी देता है तो उसका अपना सोर्स है। अच्छा, अपना सोर्स है तो इसका मतलब क्या, टैक्स नहीं लगेगा। तो एम्प्लॉयर कहता है, इनकम टैक्स कहता है कि फ्री में तो आपको भी नहीं पड़ती अगर आपका अपना सोर्स है, आप अपने एम्प्लॉय को फ्री में जरूर दे रहे हो, बोलो है ना। तो इस केस में क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू एम्प्लॉयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। अगर एम्प्लॉयर का अपना सोर्स है तो ये थोड़ा ना कि एम्प्लॉयर को मुफ्त में पड़ती है, एम्प्लॉयर उसको प्रोडक्शन करता है तो जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उतनी ही सेविंग हो रही है उसको। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू एम्प्लॉयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स, वो एम्प्लॉय की इनकम मान लेगा और उसके अंदर टैक्स ऐड कर देगा उठा के वो, क्लियर पॉइंट। लेकिन अगर अपना सोर्स नहीं है तो यहां पर लिखो एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स।
एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। जितना एम्प्लॉयर बिल पे करेगा उस पर क्या लग जाएगा? टैक्स। तो बड़ा सिंपल सीधा सादा सा रूल है गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी के लिए। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट लिखिए आप सर्वेंट फैसिलिटी। सर्वेंट फैसिलिटी कुक है, वॉचमैन है, अगर आपको ये प्रोवाइड किया जाते हैं तो इनके ऊपर क्या रूल है? बड़ा सिंपल सा रूल है एक्चुअल अमाउंट ऑफ सर्वेंट सैलरी। एक्चुअल अमाउंट ऑफ सर्वेंट सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। शैल बी चार्जेबल टू टैक्स मतलब जितना सर्वेंट की सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है उस पर क्या लग जाएगा? टैक्स। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बढ़िया पॉइंट पढ़ा दिया। एक बार जरा गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी में मुझे रूल बताओ क्या है। खुद के एम्प्लॉयर का खुद मान लो समझ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 रुपए पर यूनिट है, राइट, और एम्प्लॉय ने यूनिट यूज कर ली मान लो 5,000, तो बताओ एम्प्लॉय की इनकम में कितना जोड़ने वाले हो आप? 25,000 रुपये जोड़ने वाले। तो मैं ये कहूंगा कि गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी में 25,000 रुपये आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर क्या लगेगा? लेकिन क्वेश्चन में एक बात लिख दी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से 2 रुपए पर यूनिट चार्ज करता है। क्या करता है? चार्ज। तो अभी आपको याद है वैल्यूएशन ऑफ कंसेशनल रेंट फ्री हाउस में क्या था? वो रेंट चार्ज कर रहा था। तो आपने क्या करा कि पहले टैक्सेबल अमाउंट डिसाइड किया, जितना टैक्सेबल अमाउंट आ रहा था उसमें से आप माइनस कर देते थे, बोलो है ना। तो वो 5,000 यूनिट है, 2 रुपए चार्ज कर रहा है, तो कितने माइनस कर दोगे? तो कितने पे टैक्स लगेगा? 15। ये रूल हर जगह वैलिड है, ये रूल हर जगह वैलिड है। अभी मैं आपको सर्वेंट फैसिलिटी बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब वो बोले कि जी सर्वेंट की सैलरी जो एम्प्लॉयर पे करता है वो 3,000 रुपए पर मंथ पे करता है, तो वेरी गुड, हम इस पे क्या लगा देंगे? टैक्स। लेकिन वो अपने एम्प्लॉय से 1,000 रुपए पर मंथ चार्ज करता है, तो 1,000 रुपए इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? एनी डाउट? अब इसी सिचुएशन को और बढ़िया ढंग से समझो। एक एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को मकान प्रोवाइड करता है, हाउस प्रोवाइड करता है, पहले रूल नहीं था, पहले क्या था कि वॉचमैन आ गया, कुक अलाउंस आ गया, सब इस बात है। आजकल गार्डनर को लेके एक बीच में डिस्प्यूट खड़ा हुआ है कि कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब मकान देता है तो उसको एक बात का डर रहता है तो ये एम्प्लॉय इसका हो जाएगा ट्रांसफर, ये चला जाएगा दूसरा एम्प्लॉय आएगा, तो उसे लगता है कि मेरे मकान की जो मेंटेनेंस है वो शायद ये इसे मेंटेन ना करे, गार्डन है। अब ये बताओ एम्प्लॉय नौकरी देखेगा या गार्डन मेंटेन करेगा? तो नौकरी भी जाएगा। अब वो कहता है यार मैंने इतने बड़े महंगे महंगे वो लगा रखे हैं पौधे वगैरह, वो ग्रास वगैरह ये मेंटेन कर नहीं पाएगा घर, तो मकान के साथ साथ गार्डनर फैसिलिटी भी देगा कि भाई ये गार्डनर है और ये मेंटेन करेगा। अब ये बताओ कि वो गार्डनर जो उसने रखा है एम्प्लॉयर ने वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है कि उसका फायदा एम्प्लॉय को मिले? एम्प्लॉय को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा वहां देखा। अच्छा पहले ये रूल टैक्सेबल था, पहले गार्डनर ये माना था कि एम्प्लॉय की, पर एम्प्लॉय ने चीखा भाई जब गार्डनर रखो ना को मुझे क्या लेना, मुझे नहीं घूमना आपके पार्क में। तब इनकम टैक्स ने रूल बना दिया कि अगर एम्प्लॉयर मकान के साथ गार्डनर फैसिलिटी भी देता है तो हम उस गार्डनर फैसिलिटी पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, वो क्या हो जाएगी? फुली एग्जेम्प्ट। लिख लो यहां पे नोट, इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड गार्डनर फैसिलिटी विद रेंट फ्री हाउस, इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड गार्डनर फैसिलिटी विद रेंट फ्री हाउस then it will be fully exempt from tax. then it will be fully exempt from tax. हम इसके ऊपर फिर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। then it will be fully exempt from tax. right बच्चों? clear. अब हमारे पास आती है नेक्स्ट फैसिलिटी और जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है कार फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी है ये? इसके रूल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।